उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में दो तिहाई बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी अब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन में जुट गई है। इस सिलसिले में विधायकों का मन टटोलने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि चुनाव हारने के बावजूद कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फिर से पार्टी मौका दे सकती है। वहीं उत्तराखंड में चर्चा ये भी है कि उत्तराखंड के अगले सीएम पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। पब्लिक की पसंद और युवा नेतृत्व को देखते हुए बीजेपी अब किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती। दरअसल पिछले साल जुलाई में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपी थी। इसके बाद धामी ने राजनीतिक कौशल का परिचय देकर पार्टी हाईकमान का ध्यान खींचने में कामयाबी हासिल की थी। यही वजह थी कि पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया था कि विधानसभा चुनाव में धामी ही उसका चेहरा होंगे। पुष्कर सिंह धामी की मेहनत का ही नतीजा रहा कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत से सत्ता में आ गई, लेकिन वो अपना किला नहीं बचा पाए। धामी के चुनाव हारने के बाद कई विधायकों ने उनके लिए अपनी सीट खाली करने की पेशकश की है। दरअसल चंपावत से चुनाव जीतने वाले बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने कहा है कि अगर धामी दोबारा चुनाव लड़ने को तैयार हैं तो वो उनके लिए सीट छोड़ सकते हैं। और जागेश्वर से विधायक मोहन सिंह मेहरा ने भी अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की है। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खानपुर से निर्दलीय चुनाव जीते उमेश कुमार ने भी इसी तरह की पेशकश की है। इस बीच दोस्तों खबर है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान उत्तराखंड में हैं। दरअसल बीजेपी आलाकमान ने दोनों को उत्तराखंड में पर्यवेक्षक बनाया है। दोनों ही मंत्री तमाम तरह की राय लेंगे और इस बात पर कोई फैसला लेंगे। विधानसभा चुनाव क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था, ऐसे में दबी जुबान में धामी को एक और मौका देने की बात हो रही है। सूत्रों का कहना है कि हाईकमान ने मन बना लिया है और पुष्कर सिंह धामी को उनकी मेहनत का इनाम मिल सकता है। दरअसल 6 महीने के छोटे से कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी के योगदान को इसका आधार बनाया जा सकता है। चर्चा है कि पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में 1-2 दिन में होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक में धामी को ही कमान सौंपे जाने की मांग रखी जा सकती है। उधर खबर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दूसरे नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी को अगर फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इसे लेकर हैरानी नहीं होगी, क्योंकि पहले अगर देखें तो अरुण जेटली और स्मृति ईरानी के लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया था। हाल में बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने भी यही फॉर्मूला अपनाया था। ममता बनर्जी के चुनाव हारने के बाद भी टीएमसी ने ममता को ही मुख्यमंत्री बनाया था। वहीं धामी के अलावा मुख्यमंत्री पद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के नाम की भी चर्चा है। माना जा रहा है कि अनुभव को तरजीह देने की स्थिति में पार्टी नेतृत्व इनके नाम पर विचार कर सकता है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री रहे सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत के नाम की भी चर्चा चल रही है। आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, या आपको क्या लगता है बीजेपी हाईकमान किस पर भरोसा कर मुख्यमंत्री बनाएगा? क्या एक बार फिर उत्तराखंड की बागडोर पुष्कर सिंह धामी के हाथ जाएगी, या फिर अनुभव को तरजीह देते हुए किसी और नाम का फैसला पार्टी हाईकमान करने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें रायशुमारी।